फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जबशंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो फ्रेंड्स, इंडियन आर्मी में एक नई भर्ती निकल के आ रहा है। वीडियो आप पूरा देखते जाइए, शुरू से लास्ट तक देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा पूरी अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट आने वाला, आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हो फ्रेंड्स। और ये हमारा जबशंकर ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे दे दिया गया, ये आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड फायरमैन अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। नहीं तो नीचे आना, अपकमिंग जॉब में दे दिया गया फ्रेंड्स, बहुत सारा अपडेट किया गया है फ्रेंड्स। क्यों, मैं आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए मैं अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन अभी दो दिन से आपको अपडेट सारा भर्ती ये सब मैं अपडेट कर दिया और भी अपडेट कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दे दिया गया हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड फायरमैन अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022, इस पे आप क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने डिटेल्स खुल जाएगा, ये आप देख रहे हो, ये आपके सामने डिटेल्स खुल गया है। 6 अप्रैल 2022 मतलब आज ही अपडेट किया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में, जॉबशंकर की ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड फायरमैन एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो फ्रेंड्स, वेस्टर्न कमांड से दो निकल कर रहा है, एक आ रहा है हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल के से और एक आ रहा है ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं सारा डिटेल बता रहा हूँ, वीडियो आप पूरा देखते जाए। लेटेस्ट अपडेट देख लो, 6 अप्रैल 2022 को अपडेट किया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में। पोस्ट नेम देख रहे हो, लाइब्रेरियन एस्ट्रोनॉट ग्रेड 2 LDC फायरमैन मैसेंजर बार्बर वाशरमैन रेंज चौकीदार एंड दफ्तरी का भर्ती रहने वाला फ्रेंड्स। गवर्नर ऑफ इंडिया मिनिस्टर डिफेंस से भर्ती निकल के आ रहा है हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड से। वेरियस परीक्षण 2022 आप देख रहे हो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, सिविलियन पोस्ट रहने वाला है। इम्पोर्टेंट डेट्स देख रहे हो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन स्टार्ट 16 अप्रैल 2022 से एक्सपेक्टेड डेट है फ्रेंड्स, इसका ऑफलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट रहने वाला है 6 मई 2022, ठीक है फ्रेंड्स। इम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर में पब्लिश होते ही मैं यहाँ पे डेट डाल दूँ कौन से इम्प्लॉयमेंट पेपर में पब्लिश किया गया है। अप्लाई आपको ऑफलाइन फॉर्मिंग करना होगा। एप्लीकेशन फी आप देख रहे हो, इसमें नील है, नहीं लगे आपको। पे स्केल देख रहे फ्रेंड्स, 4 मैसेंजर बार्बर वाशरमैन रेंज चौकीदार एंड दफ्तरी का लेवल 1 रहने वाला है। पे रुपीज देख रहे 18,000 से लेकर 56,900 आपको पे मिलेगा, ठीक है। फॉर फायरमैन एंड LDC के लिए देख रहे फ्रेंड्स, लेवल 2 में आता है, 19,900 से लेकर 30,200 आपको पे मिलेगा, ठीक है। फॉर लाइब्रेरियन देख रहे फ्रेंड्स, लेवल 4 में आ रहा है, 35,400 से लेकर 112,400 आपको पे मिलेगा, ठीक है। फॉर एस्ट्रोनॉट ग्रेड 2 में देख रहे फ्रेंड्स, लेवल 4 में आ रहा है, 25,500 से लेकर 81,100 आपको पे मिलेगा। एज लिमिट देख रहे फ्रेंड्स, मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 25 साल, एज रिडक्शन आपको छूट मिलेगा। वैकेंसी डिटेल टोटल पोस्ट में 30 पोस्ट रहने वाला फ्रेंड्स, ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट नेम देख रहे हो, लाइब्रेरियन में यूआर में 1 पोस्ट दिएगा, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है। एस्ट्रोनॉट ग्रेड 2 में देख रहे हो, यूआर में 1 पोस्ट दिएगा, ओबीसी में 1 पोस्ट दिएगा, टोटल इसमें 2 पोस्ट ही रहने वाला है। LDC में देख रहे फ्रेंड्स, यूआर में 1 पोस्ट दिएगा, ओबीसी में 2 पोस्ट दिएगा, SC में 1 पोस्ट दिएगा, ST में 1 पोस्ट दिएगा, EWS में 1 पोस्ट दिएगा, एक्स सर्विस मैन में 2 पोस्ट दिएगा, टोटल इसमें 6 पोस्ट ही रहने वाला है। फायरमैन में देख रहे फ्रेंड्स, यूआर में 2 पोस्ट दिएगा, SC में 1 पोस्ट दिएगा, टोटल इसमें 3 ही पोस्ट रहने वाला है। मैसेंजर में देख रहे फ्रेंड्स, यूआर में 7 पोस्ट दिए गए, ओबीसी में 4 पोस्ट दिए गए, SC में 1 पोस्ट दिए गए, EWS में 1 पोस्ट दिए गए, एक सर्विस में 4 पोस्ट दिए गए, टोटल इसमें 13 पोस्ट ही रहने वाला है। बार्बर ने देखो फ्रेंड्स, ओबीसी में 1 पोस्ट दिए गए, टोटल इसमें 1 ही पोस्ट रहने वाला है। वाशरमैन ने देखो फ्रेंड्स, यूआर में 1 पोस्ट दिए गए, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है। रेंज चौकीदार में देख रहे हो फ्रेंड्स, यूआर में 1 पोस्ट दिए गए, टोटल 1 ही पोस्ट रहने वाला है। दफ्तरी में देख रहे फ्रेंड्स, यूआर में 1 पोस्ट दिए गए और ST में 1 पोस्ट दिए गए, टोटल इसमें 2 पोस्ट ही रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, नीचे आ जाना, एलिजिबिलिटी डिटेल्स मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। लाइब्रेरी में देख रहे 1 पोस्ट दिया गया, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए, जैसे कि आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी से भी आप डिग्री किए हो तो अब इसमें अप्लाई कर सकते। एस्ट्रोनॉट ग्रेड 2 में देख रहे 2 पोस्ट दिया गया, इसमें 12 पास चाहिए, और LDC में देख रहे 6 पोस्ट दिया गया, इसमें 12 पास ही चाहिए, ठीक है। और फायरमैन में देख रहे 3 पोस्ट दिया गया, मैसेंजर में 13 पोस्ट दिया गया, बार्बर में 1 पोस्ट दिया गया, वाशरमैन में 1 पोस्ट दिया गया, रेंज चौकीदार में 1 पोस्ट दिया गया और दफ्तरी में 2 पोस्ट दिया गया फ्रेंड। इसमें सारे में मैट्रिक पास ही चाहिए इसमें। और डॉक्यूमेंट रिक्वायर आप देख रहे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट रखने वाले मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर आप देख रहे हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो जैसे आप ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, यूआर को नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, यूआर वाले के लिए नहीं चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक्स सर्विस वालों के लिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आधार कार्ड सभी को देना पड़ेगा। 4 आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को देना पड़ेगा, 2 आपको फॉर्म में लग जाएगा, 1 फॉर्म में और 1 एडमिट कार्ड में, और 2 आपको एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा, ठीक है। 1 आपको सेल्फ एड्रेस एनवेलप देना पड़ेगा, ₹25 का पोस्टल स्टाम्प लगा के उसमें, ठीक है। और सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ एड्रेस से करके भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन शुड बी फॉरवर्ड टू, आपको इस एड्रेस में फॉरवर्ड कर देना है, मतलब भेज देना, ठीक है। 2 सेंट्रल रिक्रूटमेंट एजेंसी आप देखिए, हेडक्वार्टर PHNSP 1 सवेरिया आप देख रहे हो, पिन 9012070056 APM आपको भेज देना पड़ेगा। रजिस्ट्री स्पीड या ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू, ठीक है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टॉप ऑफ इनलॉब लिखना पड़ेगा एंड कैटेगरी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्टेंट लिंक्स देख रहे फ्रेंड, डेट पब्लिश 6 अप्रैल 2022 मतलब आज ही अपडेट किया हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों हमारे पास आ चुका है, यहाँ से क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हो। इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ, अगर आप
आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। तो फ्रेंड्स का लास्ट डेट रहने वाला 6 मई 2022, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और आपको लेकर चलता हूँ, ये आप देख रहे हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इस भर्ती का, ठीक है। बाकी सारा जो भर्ती यहाँ पे आ चुका है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो अपकमिंग जॉब में सारे वीडियो में अभी आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स बाकी अदर डिटेल्स के लिए आप ये पढ़ लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन दे दिया गया सारा भर्ती यहाँ पे दे दिया गया, आप अच्छे से देख लीजिएगा फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन रहने वाला। इसके बाद ये आप एप्लीकेशन फॉर्म देख रहे हो हमारे पास आ चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो भी मिले 100% रियली भर्ती की जानकारी मिलेगा, वो भी सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हमारा militaryabharti.com नई वेबसाइट, इसमें विजिट करते हैं यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आउट ऑफ स्टेशन था इसलिए इसमें अपडेट नहीं किया, लेकिन अभी मैं अपडेट आपको करते रहूंगा, ठीक है इसमें। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ऐसे ही नई भर्ती आपके लिए सबसे पहले लेके आते रहूंगा। तो फ्रेंड्स के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ओके फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।